नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को मुस्लिम संस्था जमीयत उलमा ए हिंद की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 10 अगस्त को की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली और कटिहार के बीच कल 14 जुलाई से कटिहार दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के संचालन का ऐलान किया है, जिससे दिल्ली उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों का रेल आवागमन सुगम और आसान हो सकेगा। कटिहार दिल्ली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का संचालन कटिहार से 14 जुलाई 2022 से प्रत्येक सोमवार एवं बृहस्पतिवार को किया जाएगा। तो वही 15706 दिल्ली कटिहार चंपारण हमसफर एक्सप्रेस का संचालन दिल्ली से 15 जुलाई 2022 से प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को संशोधित समयानुसार निम्नवत किया जाएगा। महंगाई के बोझ तले दबे अमेरिका पर संभावित मंदी का खतरा होने की चर्चाओं के बीच जेपी मॉर्गन के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट एड्रियन मॉर्बेट ने दावा किया है कि ऐसा कोई जोखिम अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल भी दमदार प्रदर्शन करेगी। एक इंटरव्यू में एड्रियन ने कहा कि अमेरिका में खुदरा महंगाई दर 8.1% चल रही है, जिस पर काबू पाने के लिए फेड रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाएगा। इससे विकास की गति कुछ सुस्त जरूर हो जाएगी, लेकिन मंदी जैसा जोखिम नहीं लग रहा है। चीन की स्मार्टफोन विनिर्माता कंपनी वीवो को दिल्ली हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय बैंक खातों पर रोक लगाने के वीवो के अनुरोध पर गौर करे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने 5 जुलाई को वीवो और संबंधित फर्मों के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में कई स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके बाद 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला उजागर हुआ और प्रवर्तन निदेशालय ने वीवो के बैंक खातों को प्रतिबंधित कर दिया। बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने हादसे को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब अमरनाथ गुफा के पास रहने की व्यवस्था खत्म की जाएगी। साथ ही दर्शन के समय में भी कटौती की गई है, यानी कि अब शाम 6 बजे की बजाय 4 बजे तक ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा टेंट लगाने वालों को भी गुफा से दूर टेंट लगाने का निर्देश जारी किया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गोटाबाया मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि राजपक्षे, उनकी पत्नी और एक बॉडीगार्ड सैन्य विमान में सवार होकर फरार हो गए। दूसरी तरफ कोलंबो में हालात बिगड़ गए हैं और लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। ICC ने भारत और इंग्लैंड के बीच केनिंगटन ओवल में खेले गए पहले वनडे के बाद ताज़ा टीम रैंकिंग जारी की है। ताज़ा रैंकिंग में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय टीम 105 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर थी, लेकिन मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट की जीत के साथ ही उसके 108 अंक हो गए हैं और अब वो तीसरे नंबर पर आ गई है। वहीं पाकिस्तान 106 अंक के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे खत्म होने के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। विशेष राज के मुद्दे को लेकर सभी विपक्षी दल हमलावर बन गए, तो वहीं अब एनडीए की सहयोगी जदयू ने विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार को विशेष राज का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन सरकार को इस मांग पर विचार करनी चाहिए। मंगलवार को हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत की शानदार जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वहां नवाब पटौदी भी मौजूद थे। जी हां, इस मैच को देखने के लिए बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर और अपनी वाइफ करीना कपूर खान के साथ द ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। इसके साथ ही रोहित शर्मा से लेकर चहल की वाइफ भी अपने पति को चीयर करने पहुंची थी। सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट 26 जुलाई को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर याचिका में कोर्ट से केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कुछ आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में फेरबदल की गई है। इसके बाद 18 जुलाई से कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। वित्त मंत्री ने भी बैठक के बाद कहा कि 18 जुलाई 2022 से कुछ नए उत्पादों और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें बढ़ेंगी। इसमें पनीर, लस्सी, बटर मिल्क, पैकेज दही, गेहूं का आटा, अन्य अनाज, शहद, पापड़, अनाज और गुड़ जैसे पूर्व पैक लेबल सहित कृषि वस्तुओं की कीमतें जुलाई से बढ़ने वाली है।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीते मंगलवार को धर्म परिवर्तन को रोकने पर जोर देते हुए कहा कि ये लोगों को उनकी जड़ों से अलग कर देता है। भागवत चित्रदुर्ग के श्री शिव सरन मदार चेन्नैया गुरुपीठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दलित और पिछड़ा वर्ग समुदायों के संतों को भी संबोधित कर रहे थे। सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी व कीमती पत्थर सभी को ड्रग्स एंटिक्स सिगरेट के साथ कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में रखा गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इस बारे में मंगलवार 12 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि बिना संबंधित अधिकारी की जानकारी के बिना कीमती मेटल्स के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को नहीं किया जा सकेगा। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी दौरा कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। पीएम मोदी का शुक्रवार 15 जुलाई को गांधीनगर और साबरकांठा का दौरा करने का कार्यक्रम था। घटनाक्रम से जुड़े प्रमुख सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री के अब इस महीने के अंत तक गुजरात का दौरा करने की उम्मीद है। टाइम पत्रिका के विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान 2022 की सूची में भारत के अहमदाबाद और केरल शहर भी शामिल है। इन दोनों शहरों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है। पत्रिका के अनुसार शानदार समुद्र तटों, हरे भरे बैक वाटर, मंदिरों और महलों से केरल की खूबसूरती और भी निखर जाती है। सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात का रास अल खेमा, सियोल का उटाह, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, आर्कटिक ट्रांस भूटान ट्रेल और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है। केंद्र सरकार मेघालय में तेल और प्राकृतिक गैस की तलाश कर रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने दी। उन्होंने कहा कि मिजोरम और नागालैंड के अलावे मेघालय में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज जल्द ही शुरू होगी। आर्थिक मंदी अब बड़ी टेक कंपनियों तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से सत्या नडेला द्वारा संचालित माइक्रोसॉफ्ट पुनर्गठन के हिस्से के रूप में कर्मचारियों की छंटनी करने वाली पहली टेक दिग्गज बन गई है। माइक्रोसॉफ्ट में छंटनी उसके कार्यालयों और प्रोडक्ट डिविजन्स के 1,80,000 कर्मचारियों की लगभग 1% है। आषाढ़ महीने के शुक्ल की पूर्णिमा को देश भर में आज गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। पूर्णिमा तिथि को महाभारत के रचनाकार वेदव्यास का जन्म हुआ था, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास था। उन्हीं के सम्मान में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा की जाती है। केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईंधन में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ईंधन के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री तेली ने कहा कि मेघालय और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण जल्द शुरू होगा। कांग्रेस गुट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि G23 के नेता गुलाम नबी आजाद को पाटियाला कमान जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारियां दे सकती है। गुलाम नबी को जम्मू कश्मीर में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। यही पिछले हफ्ते उन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। क्रेडिट कार्ड लेने में उन लोगों को अधिक परेशानी होती है जो क्रेडिट मार्केट में नए हैं या फिर जिनका क्रेडिट स्कोर कम है। ऐसे में सिक्योर क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। कुछ बैंक सावधि जमा के खिलाफ क्रेडिट कार्ड को जारी कर रहे हैं। ऐसे क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कहा जाता है, क्योंकि ये FD के बदले जारी किए जाते हैं। यदि आपका क्रेडिट स्कोर कम है और या फिर आप क्रेडिट मार्केट में नए हैं, तो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लेना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 5 सितंबर से 22 सितंबर तक अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें झारखंड के सभी 24 जिलों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अग्निवीरों की भर्ती के लिए सेना भर्ती कार्यालय युवाओं को प्रेरित कर रहा है। इसके लिए जुलाई महीने में सेना आउटरीच कार्यक्रम भी चला रही है। हाल ही में महानगर गैस ने मुंबई में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG और पाइप्ड नेचुरल गैस PNG के रिटेल मूल्य में बढ़ोतरी की है। यह बुधवार की घोषणा हो चुकी है। मुंबई और उसके आसपास CNG की रिटेल दर 4 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 80 रुपये हो जाएगी और घरेलू PNG की दर 3 रुपये प्रति मानक घन मीटर बढ़कर 48.50 रुपये हो जाएंगे। CNG और PNG की नई रिटेल प्राइस 13 जुलाई की मध्य रात्रि से प्रभावी होंगे। डॉलर की दहाड़ के आगे रुपया पिछले कई दिनों से थरथर कांप रहा है। भारतीय रुपया बुधवार को भी लगातार तीसरे सत्र के लिए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों ने अमेरिकी मुद्रा स्फीति के आंकड़ों के आगे जोखिम वाली संपत्ति को डंप करना जारी रखा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कसने की गति को निर्धारित कर सकता है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया अपने ऑल टाइम लो 79.6675 के स्तर को छू लिया।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में सामने आया है, बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा किया गया है कि वह 2018 में सलमान खान की हत्या करना चाहता था। वह सलमान खान को काले हिरण के शिकार का सबक सिखाना चाहता था। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जनसंख्या विस्फोट को धर्म से जोड़ना जायज नहीं है, क्योंकि यह पूरे मुल्क की मुसीबत है। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं मुल्क की मुसीबत है, इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। दुनिया में आर्थिक मंदी आने का डर अब गूगल को भी सताने लगा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने अब वर्ष 2022 के बाकी बचे दिनों में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को धीमा करने का फैसला किया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने मंगलवार को कंपनी के कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में इस फैसले की जानकारी दी है। हालांकि पिचाई ने कहा है कि कंपनी आवश्यक सेवाओं के लिए भर्तियां जारी रखेंगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में नई सरकार भारत के साथ हुए कारोबारी समझौते का समर्थन करती है और इस समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए वह जल्द ही संसद का रुख करेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अप्रैल में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता ECTA पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जा सकेगा। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने कहा कि उसने अरबपति उद्योगपति एलन मस्क पर $44 अरब में कंपनी का अधिग्रहण पूरा करने का दबाव बनाने की खातिर मुकदमा किया है। मस्क ने फर्जी खातों की सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए ट्विटर को $44 अरब में खरीदने के समझौते को रद्द करने की घोषणा की थी। वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने कहा था कि वह इस सौदे को बरकरार रखने के लिए टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एलन मस्क पर मुकदमा करेगी। UGC ने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा है कि वे UG एडमिशन का शेड्यूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के रिजल्ट के बाद तक रखें। UGC ने यह कदम तब उठाया है जब कुछ समय पहले ही CBSE ने उच्च शिक्षा नियामक UGC से आग्रह किया था कि वह सभी विश्वविद्यालयों को UG कोर्सेज में एडमिशन शुरू करने को लेकर 12वीं के रिजल्ट का इंतजार करने का निर्देश दे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स ने हमें कमेंट करके जवाब दिया उनके नाम है शंभू सिंह, राणा चंद्रभूषण सिंह, कौशल कुमार, विकास कुमार ठाकुर, रणधीर महतो, मंजू कुमारी, जवाहर सिंह, कौशल किशोर, बबलू कुमार, आकाश बेलवा, सचिंद्र भंडारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बढ़ती हुई महंगाई को लेकर क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे धराधर खबरें।